हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम आपके एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जो कि आपका मास परसेंटेज के ऊपर बेस रहेगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, यानी क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है किस किस का, बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। बेंजीन का फॉर्मूला होता है आपका C6H6 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है आपका CCl4। इसके बाद यहाँ पे हमें दे रखा क्या है, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे हमारा 22 ग्राम बेंजीन किसके अंदर डिजोल्व है, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर डिसॉल्व है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना होता है ना अच्छे से, तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिया करो। तो यहाँ पे देखो हमें गिवन क्या क्या है, तो यहाँ से सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा सोल्यूट कौन है। तो देखो हमारा सोल्यूट कौन है, सोल्यूट हमारा कौन होता है, जो हमारा कम होता है। तो देखो कम हमारा कौन है, यहाँ पे 22 ग्राम हमारा कौन दे रखा है, बेंजीन, और 122 ग्राम आपका क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे बेंजीन हमारा कम है, यानी हमारा बेंजीन डिसॉल्व है किसके अंदर भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। तो सोल्यूट यहाँ पे हमारा बेंजीन हो गया। तो ऐसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जो हमारा कम होता है होता है सोल्यूट। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सोलवेंट की, तो सोलवेंट यहाँ पे हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो इतनी चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर ली। इसके बाद हम क्या लिख लेंगे, मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ बेंजीन जो हमें दे रखा है। तो मास लिख लेंगे दोनों के, तो मास ऑफ सोल्यूट जो हमें गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मतलब कौन है हमारा, बेंजीन, बेंजीन यानी C6H6, इसका मास कितना दे रखा है, 22 ग्राम। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, और देखो इसके बाद हमें दे रखा है मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास आपका कितना है। तो सोलवेंट कौन है यहाँ पे, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका मास कितना दे रखा है, 122 ग्राम दे रखा है। इतनी चीज़ हमने कर ली। इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेंगे, यानी टोटल मास निकाल लेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, हमारा सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास जोड़ दो तो सॉल्यूशन का मिल जाएगा। तो 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम, तो आपका निकल गया जाएगा 144 ग्राम। तो हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमने देखो सही चीज़ निकाल ली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, सबसे पहले हमें किसका निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है हमें किसका, बेंजीन का। तो देखो कैसे निकाल लेंगे अब हम, तो पहले हम निकाल लेंगे, अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, सॉल्यूशन करना है। तो देखो आराम से देखते रहो आप, बहुत ही आसान है। तो पहले हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है, यानी C6H6 निकालना है। तो ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर हम रखेंगे मास ऑफ बेंजीन, तो मास ऑफ बेंजीन रखेंगे C6H6, और नीचे आपको टोटल मास रखना होता है, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट का मतलब मल्टीप्लाई किससे कर दो, परसेंट का मतलब मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से। तो ऊपर देखो मास ऑफ बेंजीन कितना था, हम मास ऑफ बेंजीन यहाँ पे दे रखा था 22 ग्राम, तो लिख लो सिंपली 22 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 144 ग्राम इंटू 100। इसे 2 से कट कर लो भाई, 2 से इसे कटोगे तो आपका 11 आ जाएगा, 2 से इसे कट करोगे तो कितना आएगा आपका, 7 2, ठीक है। इसके बाद 4 से कट करो, 4 से इसे कट करोगे 18 आएगा, इसे कट करोगे 25 आ जाएगा। अब ऊपर से थोड़ा सा हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो ऊपर हमें करना पड़ेगा 11 × 25 / 18। 11 से मल्टीप्लाई करने की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो जिसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, उस नंबर का पहले वाला नंबर लिख लो, जैसे 25 का 5 लिख लिया, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, 7 आ जाएगा, फ्री वाला नंबर लिख लो, होगी बस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 18। अब 18 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो 18 से जब इसे डिवाइड करेंगे, पहले चलेगा एक बार इसमें 18 × 18, आपके 9 बच जाएंगे, फिर ये आपका 95 हो जाएगा, 18 × 5 = 95 बच जाएगा, 5 का यानी पॉइंट लगाओ कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसमें कितनी बार चलेगा भाई, 2 बार चलेगा इसमें, तो आपका 2 times, फिर 14 बच जाएगा, 14 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो तो 140 में कितनी बार चलेगा, 7 times चलेगा ऐसे। तो यहाँ पे आपका जो मास परसेंटेज बेंजीन का वो कितना आ गया, यहाँ पे आपका मास परसेंटेज बेंजीन का आ गया 15.27% आ गया। इसके बाद हमें किसका निकालना है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ CCl4 निकालना है। तो हमें पता है परसेंटेज में कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100% होती है। तो यानी मास परसेंटेज ऑफ CCl4 प्लस मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कितना होगा, 100% होगा। तो अगर हम 100 में से किसका घटा दें, मास परसेंटेज घटा दें, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन घटा दें, तो हमें किसका मिल जाएगा, मास परसेंटेज मिल जाएगा CCl4 का। तो 100 माइनस कर दो बेंजीन का, अपने निकाल लिया, पर ये कितना है, 15.27% आया। तो इसमें से घटा दो देखो, तो आपका कितना आएगा, ये लगभग आपका आएगा बच्चों 84.73% आएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी कैलकुलेशन में गलती हो मेरे से, तो आपसे एक बार चेक कर लेना। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पूरी पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। सो बाय, लव यू गाइस।